फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लास 10 मैथ्स सब्जेक्ट चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 4 लास्ट पार्ट. ओके, लेट मी रीड द क्वेश्चन एंड वी विल अंडरस्टैंड. फर्स्ट आई विल रीड द क्वेश्चन, देन आई विल एक्सप्लेन यू. प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे ऑफ वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. अभी एक कार स्टार्ट होते हैं, एक्स एंड बी बोला है. ओके, अभी इसमें बताया ए और बी की कार दोनों जा रही है, ए और बी की कार. ओके, अब दोनों कौन सी दिशा में जा रहे हैं? दोनों सेम डायरेक्शंस पे जा रहे हैं, सेम डायरेक्शंस, यहाँ से भी और यहाँ से भी. कितना? 100 के स्पीड, 100 किलोमीटर. ओके, 100 किलोमीटर के स्पीड पर दोनों कार जा रही है. अभी हमें ये देखना है, ओके, इसमें ये देखना है, इफ़ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन द सेम स्पीड मीन्स इफ 5 km, तो ये क्या है? दोनों सेम डायरेक्शंस पे जाते हैं, सेम डायरेक्शंस में जाते हैं और कहाँ मीट होता है वो देखना है. तो ए का स्पीड ज़्यादा होगी, बी का कम होगा. ओके, ए का स्पीड ज़्यादा है, वो इसका स्पीड कितना आता है, वो इधर एक्स पे आता है. बी का पॉइंट पे जाते जाते वो वाई पॉइंट आ जाता है. ओके, इसमें ये देखना है, इधर से इतना स्पीड, यहाँ से इतना स्पीड जाते हैं. सो ए का स्पीड तो ऑफकोर्स ज़्यादा ही होगा, वो यहाँ से जाके सेम पॉइंट पे आना है, सेम टाइम पे आना है, तो ऑफकोर्स ये जल्दी निकलेगा, तब जाके बी के पॉइंट पे आएगा. तो ए का ज़्यादा होगा, बी का कम होगा. क्यू पॉइंट में मिलेंगे, कहाँ पे? क्यू पॉइंट में. ये क्यू पॉइंट में हम लोग मिलने वाले हैं. ओके, सो ये मैंने एक्सप्लेन करके दिया. तो उसमें हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट पे कि इसमें ये दिखाया कि इफ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पेस स्पीड इन 5 hours. तो फर्स्ट केस में हम देखते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार, लेट द स्पीड ऑफ कार्स ए, ए का कार का स्पीड कितना होगा? एक्स पर किलोमीटर, एक्स पर किलोमीटर. ओके, और बी का वाई पर किलोमीटर, स्पीड ऑफ कार बी वाई पर किलोमीटर. ओके, ये तो हमने डाल दिया है. अभी इसमें देखते हैं डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार ए, ए का ट्रैवल किया है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार ए, कार ए का जो डिस्टेंस किया है, मैंने क्या बताया, ए से लेके क्यू तक जाना चाहिए. सो ए क्यू और बी का ये सेम डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार बी, तो बी से लेके क्यू तक जाना चाहिए. ओके, वो हो गया. एंड उसमें ये बताइए, इट इज गिवन दैट टू कार मीट इन 5 hours. दोनों कार कहाँ मीट करते हैं? 5 hours में दोनों एक ही पोजीशन पे आके मीट होता है. तो देयरफॉर ए का डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए कार इन 5 hours. सो ए का डिस्टेंस हम बोलते हैं ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस का डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार ए इन, नहीं तो ए नहीं लिखते, सिर्फ लिखते डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार ए इन 5 hours, ट्रैवल बाय कार ए इन 5 hours. 5 hours में कार अगर ट्रैवल करनी है, सो 5x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू ए क्यू. ओके, ए क्यू डाला मैंने. इसमें 5 क्या है? टाइम दिया. x क्या है? स्पीड दिया है. आपको पता है टाइम इज इक्वल टू, टाइम का क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड है. ये फॉर्मूला तो आप लोग ने सीखा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है. यहाँ पे हमें डिस्टेंस देखना है, तो डिस्टेंस देखना है तो यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड. ओके, ये फॉर्मूला है. सो यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें ये चीज पे जाना चाहिए, टाइम इंटू स्पीड. ओके, सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार, अभी बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार ए कार बी इन 5 hours. कार बी इन 5 hours यानी क्या है? इसमें क्या लिखने का है?
अपने 5y is equal to 5y, और वो क्या है 5b³ हो गया. ओके, 5 क्या है अपना, 5 है टाइम और y क्या है स्पीड है. ओके, ये समझ में आ गया आप लोगों को. अभी इसमें हम ये बताते हैं कि दोनों डायरेक्शन एक साथ जाते हैं और 100 किलोमीटर पे जाते हैं. सो इसमें हम क्या लिखेंगे, AQ माइनस BQ इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू AB होता है. ओके, AB आता है तो AQ हमारा क्या है 5x है, BQ क्या है 5y है, इज इक्वल टू AB क्या है 100 है. ओके, ये 100 मीन सेम डायरेक्शन पे जाएंगे तो हमारा माइनस साइन होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन जाएंगे तो प्लस साइन है. ये तो हमें सेम डायरेक्शन जाना है, इसके लिए हमने माइनस किया. अभी ये मैंने लिखा 5 कॉमन निकाल देते हैं. ओके, सो यहाँ पे मैं रब आउट करती हूँ. यहाँ मैंने लिखा 5x क्या है, 5x माइनस 5 दोनों कॉमन है, 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 100 है, 100 आ गया. ओके, x माइनस y निकाल देते हैं, x माइनस y इज इक्वल टू 100 अपॉन 5, सो x माइनस y कितना है 20. सो हमारा इधर x माइनस y 20 है, वो फर्स्ट इक्वेशन डाल दिए. फर्स्ट केस में हमें ये x मिल गया है. अभी हम सेकेंड केस देखते हैं. सेकेंड केस देखने के लिए उसमें क्वेश्चन क्या है, इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. So what are the speed of the car? अभी दूसरा केस ऐसा है कि ये कार A B जाती है, A B. Okay, A B है हमारी गाड़ी. Okay, A और B है, दोनों opposite direction पर जाते हैं. A जाते इधर तो B इधर आते, तो बीच में कौन सा point होता है, P. ओके, सो इसमें क्या करेंगे, लेट द कार्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, लेट दिस मीट एट पॉइंट पी. दोनों एक ही डायरेक्शन पे जाके किस में पॉइंट करना है, पॉइंट पी पे करना चाहिए. तो उसमें क्या करेंगे, हम पॉइंट पी लाना हो तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार, डिस्टेंस ट्रैवल कौन से पी पॉइंट पे लाना है. ओके, बाय कार ए, कार ए उसमें पहले ए क्यू था तो अभी ए पी डालेंगे, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी है तो बी पी. ओके, अभी देखते हैं, गिवन दैट टू कार्स मीट इन 1 hour, दोनों कार कहाँ मीट करेंगे, एक घंटे में दोनों कार को मीट होना, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए इन 1 hour, डिस्टेंस ट्रेवल by car A in 1 hour. 1 hour यानि 1x हो गया, 1 into x 1x, that means x is equal to AP, और B का क्या होगा in 1 hour में, y, that means y into BP. ओके, ये मैंने लिख दिया इतना, y into BP. So clearly अभी ये क्या है, दोनों पॉइंट ऑपोजिट डायरेक्शंस पे जाते हैं, तो क्लियरली AP प्लस BP इज इक्वल टू AB. तो ये क्या है, AP प्लस BP इज इक्वल टू AB. सो हमारा AP क्या है, x आएगा इधर, ध्यान में आया, AP क्या है x प्लस BP क्या है y, BP y आ गया. ओके, ये देखो y, BP आ गया, x, AP आ गया. ओके, उसमें अभी हमने दिखा AB क्या था 100 किलोमीटर्स. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया. फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x माइनस y इज इक्वल टू क्या था 20, क्या लिखा था मैंने, x माइनस y 100 था. ओके, उसमें x माइनस y 20 हमने सॉल्व किया तो 20 आया, और यहाँ पे 100 आया. अभी हम इधर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड टू में से हम सबट्रैक्ट करेंगे. ओके, फर्स्ट एंड टू में से सबट्रैक्ट करेंगे तो
सेकेंड वाला पे क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। x प्लस वाई फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। दोनों y कैंसिल हुआ, 2x इज इक्वल टू 120 है। तो x क्या हुआ, 120 अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या हुआ इधर 60 आया। तो हमें क्या मिला, x की वैल्यू 60 पर किलोमीटर मिल गया। ओके, अब ये 60 पर किलोमीटर इक्वेशन 2 पे डालेंगे। जैसे कि इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x की वैल्यू डालते 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 100 माइनस 60, सो y कितना हुआ 40। तो y हमारा 40 किलोमीटर हो गया। ओके, x कितना आया 60 किलोमीटर, तो y कितना आया 40 मीटर किलोमीटर। तो हैंस हम क्या बता दिए, हैंस कार ए का कितना स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, 60 किलोमीटर पर आवर एंड बी का 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत ही इजी सम्स था। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पे सेंड कर सकते हैं। अगर जिसको भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को हर एक नोटिफिकेशंस न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू।